हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो वीडियोग्राफी करते हैं, चाहे आप वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के लिए, मैरिज सेरेमनी या फिर करते हैं शॉर्ट मूवी या एल्बम्स रिकॉर्ड। आप लोगों के पास मोबाइल, DSLR, कैमकॉर्डर या फिर ऐसे गैजेट्स तो होंगे ही जिससे आप लोगों ने कभी ना कभी डिफरेंट डिफरेंट मोड पर वीडियो रिकॉर्डिंग किया ही होगा। डिफरेंट डिफरेंट मोड इंक्लूडिंग टाइम लैप्स, हाइपर लैप्स, स्लो मोशन और भी वेरियस मोड। बट आज मैं जिस मोड के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा रेयरली यूज मोड है। बेसिकली ये मोड फॉरेनर बहुत ही ज्यादा यूज करते, चाहे वो हॉलीवुड हो या फिर अपने यूट्यूब वीडियोज में। बट नाउ ये वीडियो मोड इंडियन टेलीविजन एड्स और बॉलीवुड में भी यूज हो रहा है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो मोड पे टॉपिक कवर करने वाला मैं पहला हिंदी यूट्यूबर हूं। इसे बात पे आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उस वीडियो मोड का नाम है वर्टिगो मोड। बेसिकली वर्टिगो मोड में क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट है वो एक जगह पे कॉन्स्टेंट रहता है, खड़ा रहता है, और जो मूवमेंट होता है वो बैकग्राउंड पे होता है। मैं अभी आपके सामने एक क्लिप प्ले करने वाला हूँ, उस क्लिप को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वर्टिगो मोड होता क्या है। अगर अभी भी आपको वर्टिगो मोड समझ नहीं आया कि होता क्या है, तो उस क्लिप को एक बार आप स्लो मोशन में जरूर देखिए। चलिए आप लोगों को बता देता हूँ ये कैसे रिकॉर्ड होता है। बेसिकली इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों को प्रॉपर गैजेट्स चाहिए, बट मेरे पास प्रॉपर गैजेट्स नहीं है, जिसके कारण मैं आप लोगों को हैंड हेल्ड रिकॉर्डेड वीडियो दिखाया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को अपने कैमरे का लेंस को पूरा जूम करना है, और जैसे जैसे हम लोग अपने कैमरे को फॉरवर्ड लेते जाएंगे हम लोग लेंस को जूम आउट करते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग कैमरा को बैकवर्ड लाएंगे हम लोग अपने लेंस को जूम इन करते जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया वर्टिगो मोड क्या होता है और इसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए यूनिक वीडियो ढूंढकर लाते रहता हूँ।